नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध अंतिम दिनों में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उनका अंतिम दिन बहुत ही बेकार हालतों में गुजरा। उनकी दिन पे दिन तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि वह बहुत बुरी दिशा में आ गए। ऐसी हालत देखकर उनके शिष्य बहुत दुखी हुए। उनके शिष्यों को बहुत बुरा लगा था। गौतम बुद्ध ने ऐसा देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जो प्राणी धरती पर आया है वो अवश्य ही जाएगा, जो प्राणी जीवित है उसका अंत होना निश्चित ही है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने जो धम्म उपदेश दिए हैं उनसे खुश होना चाहिए। इस उपदेश के खत्म होते होते गौतम बुद्ध के पेट में एक भयंकर पीड़ा उठी। वह वहां से चलकर एक पावा नाम के स्थान पर पहुंचे, जहां पर चुंद नाम का एक सुनार रहता था। उसने गौतम बुद्ध को बड़े ही प्यार से भोजन कराया था। भोजन के समाप्त होते ही गौतम बुद्ध को और पीड़ा होने लगी। यहाँ से चलकर गौतम बुद्ध कुशीनारा की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी और वह थक कर दो साल वृक्षों के बीच में जाकर बैठ गए। उन्होंने वहां से मांगकर पानी पिया और भिक्षुओं से कहा, मेरे प्रिय भक्त चुंद से जाकर कहो कि गौतम बुद्ध ने अंतिम दिनों में उसका भोजन पाया है, इसलिए उसका हमेशा महान कल्याण होगा। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा कि सावधान होकर मेरी बात सुनो, जो संयोग में है और जिसने संयोग में जन्म लिया है उसका अंत भी होना निश्चित है। तुम लोग एकत्र चित्र होकर अपने अपने साधन को संपन्न करो और अपने अपने लक्ष्य का लाभ करो। जो लोग धरती पर है उनका अंत होना निश्चित ही है। यह गौतम बुद्ध का शरीर भी चार महाभूतों में विलीन हो जाएगा। भिक्खुओ, गौतम बुद्ध के उपदेश अनुसार शोक छोड़ो। ज्ञानी जनक शोक नहीं करते, बल्कि धम्म और गौतम बुद्ध के उपदेशों की जय जयकार करो। इतना ही कहने के बाद गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। उनका यह उपदेश हर जगह फैल गया। यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अनगिनत भिक्षु और उपासक इकट्ठे हुए, चिता को सुगंधित पदार्थों से भर दिया। सब ने प्रेम से वंदना की और देखते ही देखते शरीर भस्मसात हो गया। 7 दिनों बाद गौतम बुद्ध का अग्नि संस्कार किया गया। उनके फूल शरीर धातु को 10 भागों में बांट दिया गया। इसके पश्चात अलग अलग स्थानों पर विशाल स्तूपों का निर्माण करके उनमें इस पवित्र अस्थि विशेषों को आदर सहित रखा गया। ऐसे ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। गौतम बुद्ध का अंतिम दिन में भी उन्होंने उपदेश दिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।